आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ का लोकप्रिय चैनल जेएक्स न्यूज छत्तीसगढ़। दहेज के लिए प्रताड़ित करने वाले आरोपियों को गिरफ्तार करने में थाना जांजगीर पुलिस को मिली सफलता। दिनांक 19/5/2022 प्रार्थिया ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि शादी के बाद से ही आरोपी कालिकधर खरे व उसके परिजन के द्वारा दहेज के नाम पर प्रताड़ित कर रहे हैं कि रिपोर्ट पर अपराध क्रमांक 330/22 धारा 498A 323/34 भारतीय दंड संहिता कायम किया। मामले में प्रार्थिया की शादी दिनांक 11/5/2014 को राग थाना सीपत निवासी कालिकधर के साथ सामाजिक रीति रिवाज से विवाह होना बताई थी। शादी के कुछ दिन बाद से इसके पति व इनके परिजन मिलकर दहेज कम लाई हो बोलकर और दहेज लाने की मांग कर प्रताड़ित कर रहे थे। प्रकरण महिला प्रताड़ना से संबंधित होने एवं प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए थाना सिटी कोतवाली जांजगीर पुलिस द्वारा आरोपियों की गिरफ्तारी हेतु तत्काल विशेष टीम बनाकर आरोपियों की पतासाजी किया जा रहा था। प्रकरण के आरोपी कालिकधर खरे को दिनांक 19/5/2022 को हिरासत में लेकर पूछताछ किया गया था, जिन्होंने जुर्म करना स्वीकार किया। पर्याप्त अपराध सबूत पाए जाने से विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल दाखिल कराया गया था तथा अन्य आरोपी छोटेलाल, जयपाल, दुलाराबाई, दुर्गाबाई फरार हो गए थे, जिनका पता तलाश किया जा रहा था। प्रकरण के फरार आरोपी छोटेलाल खरे उम्र 59 वर्ष, जयपाल उम्र 32 वर्ष, दुलाराबाई खरे उम्र 55 वर्ष, सभी निवासी राग थाना सिपत जिला बिलासपुर तथा दुर्गाबाई सूर्यवंशी उम्र 33 वर्ष, सुल्ताननार थाना बलौदा को हिरासत में लेकर पूछताछ करने पर अपना जुर्म स्वीकार किए। उनके खिलाफ पर्याप्त अपराध सबूत पाए जाने से दिनांक 20/5/2022 को विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में प्रस्तुत कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया। उक्त कार्यवाही में निरीक्षक उमेश साहू, थाना प्रभारी जांजगीर, सहायक उप निरीक्षक राम प्रसाद बघेल, आरक्षक दिलीप सिंह, सुनील सिंह, महिला आरक्षक तामेश्वरी कश्यप, आरक्षक कमल कर्ष का सराहनीय योगदान रहा। छत्तीसगढ़ जांजगीर नगर राजा भाटा से बालेश्वर कश्यप की रिपोर्ट। थाना जांजगीर में प्रार्थिया की रिपोर्ट पर धारा 498 323/34 भादवी का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना क्रम में वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में मुख्य आरोपी कालिका धरखरे और उनके 4 अन्य रिश्तेदारों को विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय पेश किया गया और अपनी विवेचना कार्रवाई किया गया।